अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों का क्या हाल है। आज है मेरे पास आप लोगों के लिए सरप्राइज, और वो सरप्राइज है हमारी कैट ओबी। ये एक पर्शियन कैट है, आप लोगों ने एक दो वीडियोस पे थोड़ा सा देखा होगा इसे, लेकिन आज ये पूरी वीडियो ओबी के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि ईद आ रही है और हम दिखाएंगे आप लोगों को ओबी की ईद की तैयारी। ईद पे ये मेहंदी चूड़ियां सब कुछ पहनेगी। तो अब हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। ओगी पहले बहुत गंदी हुई हुई थी, तो हमने ईद से पहले उसे नहलाना था, तो कल हमने इसे नहलाया। तो अब आप लोग इसके क्लिप्स देखें। हमारी ओगी ने नहा ली और इसने हमारा नहाने में हशर नशर कर दिया था। अब हम इसे ड्राई करते हैं, ये ईद के लिए तैयार हो जाएगी। अब हम इसे थोड़ा सा खाना खिलाएंगे ताकि इसमें एनर्जी आ जाए। हेयर ड्राई कर देंगे। अब ये कैट फूड ओगी खा लो। अब हम इसको लो पे रख के हेयर ड्राई करेंगे। पहले तो इसको नहाना भी पसंद था, लेकिन आज इससे बड़ा अच्छा नहा लिया है, और उससे पता चल गया कि हम इसे जरूर जताएंगे। जैसे लोग ईद की सुबह के लिए सवैयां रात को बनाते हैं, इसी तरह हम अपनी ओगी के लिए किटन सूप बना रहे हैं। ओगी बहुत शौक से खाती है। अब हम इसको सर्व करेंगे ओगी को। चिकन के पीस। अब ओगी का फर्स्ट क्लास मील रेडी हो गया है। दराज से टॉय ऑर्डर किया था ईद के लिए, और ये काफी जल्दी आ गया और काफी ह्यूज बॉक्स में आया। पैकेजिंग काफी अच्छी लगती है, और अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। खुल गया। ये है ओगी के लिए वॉन्ड, इससे ओगी खेलेगी। यहाँ पर डिलीवरी के साथ 250 रुपीस का मिला है। तो इधर एक फेदर लगा हुआ है, और ये काफी ज्यादा एक्सटेंड भी हो सकता है। इधर एक छोटी सी क्यूट सी बेल भी लगी हुई है। तो गाइस, अब हमारा सेकंड ओगी का पैकेज आ गया है, और ये भी दराज की तरफ से ही हमने ऑर्डर किया था। ओ, ये है कॉलर, और इसके साथ बेल भी है, और ये देखिए कितनी प्यारी बो है। ओगी जो पहनती है वो रेड कलर का है, तो हमने सोचा कि हम इसके लिए ईद के लिए पर्पल कलर का लें, जिसके ऊपर बो भी हो। अब हम सब कुछ निकालते हैं, और ये जो हमारी लास्ट चीज है, हम इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। और इसके अंदर है माउस बॉल, जिसके अंदर माउस है फ्लफी सा। तो जब हम उस बॉल को फेंकेंगे तो ये बॉल चलेगा, तो ओगी समझेगी इसके अंदर एक माउस है। चले अब हम इसका ये पुराना उतारते हैं इसकी टिंडी से। ये उतर गया इसका पहलिया। ये देखें बो कितनी प्यारी लग रही है, हमने इसे प्यार करें तो ये लेट गई है। हमने ओगी को कपड़े तो पहना दिए, अब हम इसे ब्रश करते हैं। ओगी अपने आपको देखो, ओगी अपने आपको इस मिरर से देखिए। ओगी का हेयर ब्रश हो गया, उसके सिल्की बाल कितने प्यारे लग रहे हैं, ये खुद बहुत प्यारी लग रही है, और ये रिलैक्स भी फील कर रही है। चलिए अब हम आप लोगों को ओगी की चीजें दिखाते हैं। सबसे पहले हम ओगी का आप लोगों को कैट फूड दिखाते हैं। ये है रिफ्लेक्स कैट फूड, और ये एडल्ट कैट्स के लिए बेस्ट है, और ये हाई क्वालिटी का। जो भी इसके अंदर कैट फूड होता है हम इसके अंदर डाल देते हैं, ताकि एयर टाइट रहे और खराब ना हो। तो अब हम आते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ। कैट्स की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी है। हम हर मंथ डीवॉर्मिंग करते हैं, और डीवॉर्मिंग करने के लिए हम यूज करते हैं जेंबिल। ये हम किसी भी स्ट्रिंग से निकाल के हम इसके फूड के अंदर डाल देंगे, और उससे पहले उसको फास्टिंग को रखेंगे, और ये दवाई देने के बाद भी 4 आवर के लिए फास्टिंग को रखेंगे।
और ये ड्रॉप्स फॉर ईयर आईज और नोज के लिए, कैट्स के लिए काफी अच्छी होती है। इसका नाम है बेटनेसोल। तो ये है हमारे पास रोज वाटर अरके गुलाब, ये किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा और इससे भी कैट्स की आई साफ करती है। तो उससे पहले हमने थोड़ा सा कॉटन लेना है, उसे गीला करना है और उसकी आईज पे रब करना है और फिर इसे एक एक ड्रॉप या दो दो ड्रॉप दोनों आईज में डालना है। ये हमने ऑगी के लिए दराज से 2 पॉट्स ऑर्डर किए थे। ये बहुत अच्छे पॉट्स हैं और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है और एक के अंदर हम पानी डाल सकते हैं, दूसरे के अंदर कैट फूड डाल सकते हैं, लेकिन हम इनके लिए 2 यूज कर रहे हैं वरना ऑगी पानी के अंदर कैट फूड गिरा देती है। तो एक टाइप का खाना हम इसमें डाल सकते हैं, दूसरी टाइप का खाना इसमें डाल सकते हैं, इसमें दूध डाल सकते हैं, इसमें पानी डाल सकते हैं। तो ये बहुत आराम होता है। ये सबसे पहली चीज है जो मैंने ऑगी के लिए ऑर्डर की थी। जिस दिन ऑगी आई थी उसी दिन हमने ऑर्डर कर दी थी। सबसे पहले मैं केयरफुल निकालता हूँ, ऐसे करता हूँ और हम इसमें ये डाल देते हैं और इसे वापस बंद कर देते हैं ताकि ये खराब ना आए। तो ऑगी का कैट लीटर खत्म हो गया था तो हम इसके लिए कैट लीटर लेके आए हैं। ये देखने में भी अच्छा है और सब कोई गंदी मचता और हमारी कैट भी गंदी नहीं होती। ये स्कूपर है, इसके अंदर होल्स होते हैं तो हम ऐसे लेते हैं और जो भी इधर गन पॉटी वगैरह है वो इधर आ जाती है और हम डस्टबिन में ऐसे छोड़ देते हैं और बाकी का लीटर इसमें रहता है और कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। आगे को नींद आ रही है, वो सो रही है, होगी साथ साथ खुश होकर अपनी टेल भी हिला रही है। ऑगी को अपने टॉय से खिलाते हैं, माउस। अभी सुन रही है ऑगी। कल ईद है तो हम ऑगी को प्रैक्टिस कराने के ईद कैसे। अस्सलाम वालेकुम। और गले मिला। आप लोगों के भी गले मिल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ऑगी का नाम ऑगी क्यों रखा। वो इसलिए क्योंकि हमने काफी ज्यादा नेम्स डिसाइड किए थे, फियोना, फ्रोजी वगैरह, लेकिन वो हमें इतने फनी नहीं लगे तो जो ऑगी था वो बहुत फनी लगता था। ऑगी एंड द कॉकरोचेस बचपन में मेरे फेवरेट कार्टून थे और उसमें ऑगी का कैरेक्टर भी बहुत मजे का था तो इसलिए हमने ऑगी का नाम ऑगी रखा। ऑगी नीचे नेचर में आके बहुत रिलैक्स करी है और इधर ग्रास भी है तो इसे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों के घर में लॉन है तो आप लोग उसको घास पे जरूर लेके जाया करें। देखें कितना प्यारा मौसम हुआ है, बहुत विंटी है और ऑगी है वो भी बहुत एंजॉय कर रही है ना ऑगी। ऑगी एक पर्शियन कैट है और ट्रिपल कोटेड है तो उसे ठंडी ठंडी जगह बहुत पसंद है ना। तो अब आप लोगों को ऑगी की ईद की तैयारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ईद मुबारक इन एडवांस और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ऑगी, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।